उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में दो लड़कियां बैंक से रुपए निकालने गए एक व्यक्ति के 1,00,000 रुपए बैग काट कर निकाल कर गायब हो गए। मामला पीलीभीत के बिसलपुर का है, जहां मोहल्ला दुर्गा प्रसाद निवासी तेज बहादुर गंगवार भारतीय स्टेट बैंक से 1,00,000 रुपए निकाल कर बैंक के अंदर ही बैठे हुए थे, तभी दो लड़कियां आकर उनके बगल में बैठ गईं और न जाने कब रुपयों के बैग को काट कर रुपए निकाल कर फरार हो गईं। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने अपना थैला देखा तो वह ब्लेड से कटा हुआ था और पैसे भी नहीं थे। इस पर उन्होंने बैंक मैनेजर को सारी घटना बताई, तब बैंक मैनेजर ने सीसीटीवी कैमरा चेक किया तो दो लड़कियां थैले से रुपए निकालती हुई दिखाई दी। पीड़ित ने मामले की तहरीर कोतवाली बीजलपुर में दे दी है, जिस पर पुलिस ने बैंक में पहुँच कर जाँच शुरू कर दी है। फिलहाल दोनों लड़कियाँ अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। उसी समय दो लड़कियां आ रही हैं हमारे पत्र में बैठ गई, तो उन्होंने प्लेट से हमारा चेहरा काटने पाँच बजे दो बच्ची जी वो आउट कर दी। आपको कैसे पता लगा कि लड़कियों ने पैसे दिए? जब मैंने बैग देखा हाँ, तो उसमें पैसे गायब थे, चेहरा कटा हुआ जी। फिर क्या उसके बाद में मैंने बैंक मैनेजर को रिपोर्ट की जी, और सीसीटीवी कैमरा से पूरा छानबीन करवाई हाँ, तो वहाँ पर वो लड़कियाँ काटते हुए दिखाई, अब तक उनके बहुत हुआ गए। ब्यूरो रिपोर्ट, इनसाइट न्यूज, पीलीभीत।